लोक जनशक्ति पार्टी ने भाजपा द्वारा संसद में पारित किए गए कृषि विधेयक का किया विरोध। कहा कि हम भाजपा सरकार के साथ तो हमेशा रहेंगे, लेकिन इस कृषि विधेयक को लेकर हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इस विधेयक से किसान प्राइवेट कंपनी का मजदूर बन जाएगा, और जब किसान मजदूर बन जाएगा तो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। आपको बता दें, जब से कृषि विधेयक पारित हुआ है तब से लगातार पूरे देश में जंगे जंगे किसान में विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा के साथ उनकी ही पार्टी के कुछ लोग भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जी, मेरा नाम अमित वंशी है। जी, आज आज मुझे क्षत्रिय महासभा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, और मेरा कार्य यही रहेगा, मैं सारे क्षत्रियों को एकत्रित करूं और अपने मजबूती से सारे क्षत्रिय भाइयों के लिए जो भी मुझसे बने आओ सारा संघर्ष करूंगा और सही भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा। जी, पहली बार ये मेरे संगठन में। जी, आज आगरा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पंजी का प्रोग्राम था और एजेंट जो है सेंट कार्ला बैठक बुलाएगी, क्योंकि आगरा में पूर्व में जो हमारे जिलाध्यक्ष थे महेश सिसोदिया, उनकी संगठन में गतिविधियों देकर के आज हमने उनको बर्खास्त कर दिया है, और हमारे मंडल अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामबाबू परिहार, उनको भी बर्खास्त किया है, और उनसे जितने लोग जुड़े थे सबको आज मैंने बर्खास्त कर दिया है। आज हमने जो है अपने नए नवनीत जिलाध्यक्ष को मनोनीत किया है, और ठाकुर भंडारी सिंह, अमित रघुवंशी, और उनको जो है पूरे जिले की कमान सौंपी है, और मुझे आशा है कि चंद रोज में भी आगरा में संगठन को मजबूत करेंगे और क्षत्रियों को साथ देने का काम करेंगे और क्षत्रियों को एकत्र करने का काम करेंगे। बर्खास्त करने की क्या वजह है? ऐसा है, जो पहले जिलाध्यक्ष थे उनकी गतिविधियां दुम्बल हो रही थी, क्योंकि कल जो है वो अपने गांव गए, दूसरे गांव गए, वहां जो है उन्होंने क्षत्रियों के प्रति जो अंदरूनी गतिविधियां गलत की उनको मैंने देखा, और देखते ही मैं पूरे संगठन को हमने बर्खास्त कर दिया है, और अगली रणनीति के लिए मैंने कहा है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नाम से जो नकली संगठन बनकर चल रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए, और ठाकुरों से क्षत्रियों से कहना चाहता हूं कि उनसे दूर रहा जाए जो नकली संगठन बना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं।